अब हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यू। वेरिएबल और वैल्यू पर बहुत सारे ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है। इसका कई टाइप है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपेरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर्स। एक एक करके जानते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज होता है नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। ये ऑपरेटर्स हो गए, इसके नाम हो गए, ये डिस्क्रिप्शन क्या काम करते हैं, एग्जाम्पल हो गया। ये प्लस है, उसको एडिशन बोलते हैं, ये जोड़ने काम करता है, ये सब्ट्रैक्शन है, एक हटाने का काम करता है, मल्टीप्लिकेशन है जो मल्टीप्लाई करने काम आता है, डिवीजन है जो भागा करने काम आता है, मॉडुलस है क्या करता है, रिटर्न द डिवीजन रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर यानी जो शेष रहता है वो रिटर्न करता है। ये इंक्रीमेंट प्लस प्लस ये क्या करता है, जो भी वैल्यू दीजिए उसको एक बढ़ाकर आपको प्रिंट करेगा। ये डिक्रीमेंट है, माइनस माइनस का ये सिंबल है, तो एक वैल्यू आपको हटा के देगा। यहाँ पर देखिए मैंने कोड पहले से लिख रखा है, ए बराबर 10, बी बराबर 5 और सी को मैंने किया है 0। आप सी बराबर 0 नहीं लिखे फिर भी चलेगा, मैंने दे दिया है कि कोई गारबेज वैल्यू स्टोर ना करे। सबसे पहले सी बराबर ए प्लस बी किया है, फिर उसके बाद सी को यहाँ पे प्रिंट कर लिया, सी बराबर ए माइनस बी किया है, फिर उसके बाद सी को प्रिंट कर लिया है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है, फिर यहाँ डिवीजन किया है, मॉडुलस किया है। अब इनको रन करता हूँ, आउटपुट देखते हैं। एडिशन में 10 और 5 जोड़ाएगा तो 15 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में 5 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन 50 हो जाएगा, और 5 से 10 को डिवाइड किया जाएगा 2 बार में हो जाएगा, और मॉडुलस क्या होता है कि रिमाइंडर वैल्यू देता है, रिमाइंडर 0 बचता है। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ से लेके नहीं छोड़ देते हैं इसी में, और यहाँ अगर मैं बी बराबर 4 करूँगा ना, और मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, तो देखिए मॉडुलस क्या होगा, 2 बचेगा, 2 आएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, इसके बाद 2 बचता है शेष, तो ए मॉडुलस प्रिंट कर देगा। पर डिवीजन में इसे 2.5 प्रिंट होना चाहिए, पर 2 प्रिंट हो रहा है, ये इंटीजर टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का वेरिएबल नहीं शो करेगा, ये ऑटोमेटिक डाटा टाइप कन्वर्जन हो जा रहा है। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसका चिंता मत कीजिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं हटा देता हूँ, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अब मैं करता हूँ प्रिंट एफ परसेंट डी, ठीक है, और अभी मैंने ए को किया प्रिंट, और यहाँ पे एक न्यू लाइन, ठीक है, अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, तो अभी आपको पता है 10 आएगा। ठीक है, अगर इसके पहले मैं प्लस प्लस लगा दूँ, अभी मैं रन करूँगा, तो ये देखिए आ गया 11। इसको मैं एक और कर लेता हूँ, अभी देखिए कुछ और मैं दिखाता हूँ। सेव किया, रन किया, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए 10 प्रिंट हुआ, प्लस प्लस किए तो 11 हुआ। अब इसी के नीचे आता हूँ, अब प्लस प्लस में अगर इसके बाद मैं लगाऊंगा, इसके बाद तो ए मुझे बढ़ा हुआ नहीं दिखाई देगा, 10 11 11 ही दिखा। अब क्यों नहीं दिखा, ये बढ़ा दिया, ये पहले लगा दिए तो प्री इंक्रीमेंट, पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर प्रिंट हुआ, अब ये बाद में ए प्लस प्लस लगा है ना, आफ्टर इंक्रीमेंट ए हो गया। अगर इसके बाद मैं केवल प्रिंट करूँगा केवल ए, तब यह क्या होगा कि मुझे एक बड़ा दिखाई देगा, बढ़ा हुआ। देखिए अब देखिए एक बड़ा दिखाई दिया ना, सेम उसी में है, डिक्रीमेंट का है, माइनस माइनस कर दूंगा, घटा दिखाई देगा। ठीक है, सेव करता हूँ, रन करता हूँ, 10 से 9 हो गया, वही ये वाला भी कोड अभी आपको दिखा देता हूँ, सेम वही है। अभी यहाँ पे ए प्लस प्लस हो गया, अच्छा फिर भी बढ़ गया, फिर ये यहाँ पे शो होने लगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट वाला लगाना था ना, यहाँ पे मैंने सेव किया, रन करता हूँ, सबसे पहले ए प्रिंट हुआ 10, फिर ये घट गया, ठीक है, फिर ये बाद में घटा तो जस्ट सेम ही है, फिर उसके बाद ए को किया तो फिर ये घटा हुआ दिखाई दिया। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग हम लोग कोई वैल्यू में असाइनमेंट करने के लिए करते हैं। ये ऑपरेटर है, एग्जाम्पल है, ये सेम इसी के जैसा है, मतलब
आप ए लिखो, ए लिखिए या ए लिखिए, सेम ये सब में बराबर का सिंबल रहेगा। ए बराबर बी कीजिएगा तो ए और बी में वैल्यूज दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम बराबर हो जाएगा। आप ए प्लस बराबर बी लिखिए या ए बराबर ए प्लस बी, सेम है। ए माइनस इक्वल टू बी लिखिए या ए बराबर ए माइनस बी लिखिए, सेम है। समझे ना, ऐसे सब सेम है। ए बराबर ए इंटू बी मतलब मल्टीप्लीकेशन, बी लिखिए चाहे ए लिखिए, दोनों सेम ही है। आगे है मॉडुलस है, मॉडुलस है, डिवीजन है, ये दोनों ये लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम आउटपुट आएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या करता हूँ, ये सारे कोड हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं बी लिखता हूँ। ठीक है, और मैं बी बराबर ए कर दूंगा ना, तो ए का वैल्यू पूरा बी में चला गया है। कंट्रोल ले करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बी, और सेव करता हूँ और रन करूँगा। ए और बी में सेम वैल्यू आएंगे, ए बराबर 10, बी बराबर 10, और बी बराबर क्या करता हूँ 12 कर देता हूँ। ठीक है, और इसे मैं हटा लेता हूँ। ए बराबर ए प्लस बी करिए और प्रिंट करिएगा ए, सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो क्या आएगा, 22 आ जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हटाइए, ए प्लस इक्वल टू बी करिए, सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो बात सेम ही है। ठीक है, बाकी सारे मैं दिखा देता हूँ, ये माइनस वाले थे, अब मैं रन करता हूँ, ये देखिए सारे आ गए हैं। यहाँ पे जो जोड़ाया है तो 22 हो गया, यह घटा है 22, यहाँ से 22 हो चुका है, तो 22 में से फिर क्या 12 घटेगा तो 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है सारे, ये सेम ही है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप एक नया वेरिएबल बनाना है तो नया वेरिएबल में भी डालकर असाइन कर सकते हैं, सी बराबर ए प्लस बी। ठीक है, और प्रिंट एफ कर देंगे, डबल कोट्स परसेंट डी कोमा सी, और सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये रन हो जाएंगे, 22 हो गए। ठीक है, अगला है रिलेशनल ऑपरेटर। ए रिलेशनल ऑपरेटर चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स इफ द रिलेशनशिप इज ट्रू इट रिटर्न्स वन, इफ द रिलेशनशिप इज फॉल्स इट रिटर्न्स वैल्यू जीरो। अगर जो भी यहाँ रिलेशनशिप ट्रू है तो वो वन देगा, और फॉल्स है तो जीरो दे देगा। ये ऑपरेटर्स है, इसका मतलब है, इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि इक्वल टू, यह है इक्वल, इक्वल यहाँ पर साइन देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है 5 इक्वल इक्वल टू 3, यानी कि 5 3 के बराबर है, नहीं तो ये 0 रिटर्न देगा। ग्रेटर देन पाई, यहाँ पे लिखा है 5 ग्रेटर देन 3, या 5 3 से बड़ा है तो 1 दिया, लेस देन 5 लेस देन 3 है, नहीं है तो ये 0 दिया है। नॉट इक्वल टू, या 5 इसके बराबर नहीं है 3 के, तो सही है तो 1 दिया है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, या 5 इस 3 से बड़ा और या बराबर है, दोनों में से मतलब या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर, दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो ट्रू देगा। लेस देन और इक्वल टू, 5 लेस देन और इक्वल टू है, नहीं है, ना छोटे है ना बराबर है, तो 0 देगा। इसका कोड हटाता हूँ और यहाँ से आप देखिए, प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश एन लिखता हूँ न्यू लाइन के लिए, यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टू बी, या ए इसके बराबर है, बी के बराबर है, और रन करता हूँ तो 0, ए बी के बराबर नहीं है। बाकी का और भी सारे चीज़ मैं लिख लेता हूँ एक बार, मैंने सारे लिख लिए ए और बी के, और यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू बी है, नहीं है तो यहाँ पे 0 आया है, ए ग्रेटर देन बी है, ए क्या बी से बड़ा है, नहीं तो 0 है, ए लेस देन बी है, ए छोटा है बी से, हाँ तो ट्रू है, यहाँ पे बी बड़ा है, ए नॉट इक्वल टू बी, हाँ ट्रू है, तो यहाँ पे आपको ट्रू आया है, देखिए ट्रू है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, नहीं है, ए बड़ा थोड़ी है बी से, तो यहाँ पे फॉल्स आया, यानी 0, ए लेस देन इक्वल टू बी है, हाँ है, तो यहाँ पे 1 आया है, यानी कि ट्रू। अब है लॉजिकल ऑपरेटर्स, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न आइदर 0 और 1,
डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट ट्रू और फॉल्स लॉजिकल ऑपरेटर्स आर कॉमनली यूज इन डिसीजन मेकिंग इन सी प्रोग्रामिंग। ये क्या होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये जीरो और वन के वो आउटपुट देता है। इसका उपयोग हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम में करते हैं। आगे हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोग्राम बनाना सीखेंगे। यह जीरो और वन ही रिटर्न करता है। इसके ऑपरेटर है, इसके नाम है, इसका डिस्क्रिप्शन है क्या काम करता है, और ये मैंने एग्जांपल दिए। यहाँ एंड एंड दो लिखा हुआ है जिसको लॉजिकल एंड बोलते हैं। रिटर्न करता है ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। दोनों स्टेटमेंट, अगर दो स्टेटमेंट लिखेंगे दोनों ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा। या लॉजिकल और इसे बोलते हैं, रिटर्न करेगा ट्रू, कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। ये है लॉजिकल नॉट। रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। ये क्या करता है, अगर आपका रिजल्ट ट्रू रहेगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, जो भी रहेगा वो जस्ट अपोजिट कर देगा। ये देखिए एग्जांपल है, एक्स ग्रेटर देन 3 एंड एक्स लेस देन 10। हाँ तो ये ट्रू है क्योंकि 5 जो एक्स बराबर यहाँ पे 5 है वो बड़ा है, और 5 यहाँ पे लिखा है यानी एक्स यहाँ लिखा है यानी 5 लेस देन 10। हाँ ये भी दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये आउटपुट 1 आया। अब यहाँ पे देखिए लिखा है एक्स ग्रेटर देन 3 और एक्स लेस देन 4, तो इसमें आपको आया है आउटपुट 1। इसमें रिटर्न इसलिए 1 आया है क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट ट्रू है, एक्स वाला एक्स ग्रेटर देन 3 वाला और एक्स लेस देन 4 वाला है फॉल्स है। तो और का केस में क्या था, कोई ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगला देखिए, नॉट एक्स ग्रेटर देन 3 एंड एक्स लेस देन 10। तो इसमें क्या होगा कि x बराबर 5 पे y बराबर 3 है, तो 5 बड़ा है 3 से तो हाँ ये ट्रू है, और x लेस देन 10 5 10 से छोटा है, हाँ ये एंड का यहाँ पे सिंबल है यानी कि यहाँ तक तो ट्रू है पर नॉट का सिंबल लगा है। तो अगर ये कंडीशन अंदर का ट्रू है तो नॉट लगाते हैं जस्ट ओपोजिट कर देगा यानी फॉल्स कर देगा, जीरो ये रिटर्न कर देगा। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक मैं कोड कटाता हूँ। ए बराबर 5 करता हूँ और बी बराबर मैं 3 कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कोड को लिख लिया है जो मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा था। अब मैं इसे सेव करूँगा और रन करूँगा। देखिए आउटपुट आएगा सारे एक में ही आएगा। तो स्लैश ए ने यहाँ पे मैंने लगाया नहीं है न्यू लाइन के लिए, तो मैं सेव करता हूँ रन करता हूँ। देखिए पहला वाला कंडीशन ट्रू था, ठीक है तो 1 आ गया है। दूसरा वाला कोई एक ट्रू था दोनों में तो इसका ट्रू आ जाता है तो ट्रू आ गया। देखिए इसके अंदर का कंडीशन ट्रू था पर इसके पहले नोट का सिंबल लगा है तो इसका जस्ट अपोजिट कर देता है, तो यहाँ पे फॉल्स के लिए आ गया है 0। अब हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ेंगे। इन द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU में विच इज विद इन द CPU, जो कि CPU के अंदर रहता है, मैथमेटिकली ऑपरेशंस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर डन इन बिट लेवल। वहाँ पे जोड़ घटा गुणा भागा बिट लेवल पे होता है। टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन इन सी प्रोग्रामिंग बिट वाइज ऑपरेटर्स आर यूज। हम लोग बिट वाइज जब प्रोग्रामिंग करते हैं सी लैंग्वेज में तो बिट वाइज ऑपरेटर का उपयोग होता है। एक बाइट्स इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है, इसके ऑपरेटर्स है ये देखिए और इसके नाम है। यह है बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट भी इसको बोला जाता है, यहाँ पर शिफ्ट राइट लिखा है इसको राइट शिफ्ट भी बोला जाता है, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ने के लिए आपको बाइनरी नंबर कन्वर्जन आना चाहिए। ये देखिए मैंने कुछ नंबर लिखे हैं 17, 10, 7, 3 और इनके ये बाइनरी नंबर हैं मैंने निकाल रखे। मैंने कैसे निकाल रखे, एक टेबल है, टेबल या कीजिए एक सीक्वेंस है जो कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 इसी के दोगुना 64, इसी के दोगुना 128 करते करते सीक्वेंस बढ़ते जाएंगे, ठीक है। निकालना है किसी चीज़ का, जैसे मैंने 17 का निकालना है, ठीक है 17 का हमको बाइनरी नंबर निकालना है, तो यहाँ से इस टेबल में जोड़ेंगे कौन से अंक जोड़ने पर यह 17 हो जाएंगे। तो 16 और 1 दोनों को जोड़ूंगा 17 हो जाएगा, उस जगह 1 और 1 लिख दूंगा
बाकी सभी जगह 0 लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ तक मैं लिख लूँगा तो बाइनरी नंबर हो जाएगा 1, बीच में 3 को 0 है तो 0 फिर 1, यहाँ पर 10 है, 10 का कैसे निकालेंगे, 8 और 2 ये दोनों को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, तो 8 और 2 की जगह मैंने 1 किया, बाकी यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तो इसके बाइनरी नंबर हो गए। 7 का अगला निकालना है, तो 7 कैसे होगा, 4 2 6 1 7, तो 4 से लेके 1 तक मैंने 1 1 कर दिया तो इसका ट्रिपल 1 आ गया। यहाँ पर 3 है, 3 का बाइनरी नंबर निकालना है तो मैंने कैसे निकाला, जोड़ेंगे 2 और 1 जोड़ने पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ 1 और 1 हो जाएगा ये इसका बाइनरी नंबर, ठीक है। अगर कभी बाइनरी नंबर टू डेसिमल बदलना हुआ तो भी हमें आवश्यकता पड़ेगा, तो मैं भी शॉर्टकट बता देता हूँ। ये देखिए ये इसका बाइनरी नंबर सारे का था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको बाइनरी नंबर मिल गया है, ठीक है। और आपको कन्फ्यूजन है कि अब इसको डेसिमल में कैसे बदल दे, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, जितना भी देखिए 1001 लिखा है ना, इसके लास्ट वाले अंक, लास्ट वाले अंक से यहाँ लिखेंगे, फिर ए 0 यहाँ आ जाएगा, फिर ए 0 यहाँ आ जाएगा, मतलब पीछे से हम लोग डब्बा में डालते रहेंगे, जैसे 1 यहाँ पर है 000 फिर 1 रहते हैं, पहले यहाँ पर लिखे 1 000 1, पीछे से हम लोग शुरुआत करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा एड ऑल 1 बॉक्स, जिस जिस में 1 बॉक्स है, 1 इसमें है और 1 इसके में, ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 16 वाले बॉक्स में है, 1 1 वाले बॉक्स में, तो आ गया 17। अब यहाँ पे है इसका देखिए 0101 है, ठीक है, तो मैंने 0101 लिखा, और किस किस में 1 है, तो 8 वाले में 2 वाले में, तो 8 और 2 को मैं जोड़ूंगा तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, ये 1111 है, पीछे से हम लोग लिखना है, पीछे से 3, तो पीछे से 1 2 3 मैंने लिखा है, ठीक है, तीनों को जोड़ दूंगा, 4 2 6 1 7 सबसे ऊपर वाले, तो यहाँ पर 7 आ गया, 1 1 है तो 1 1 मैंने दिया, किस किस बॉक्स में 1 और 2 में, तो ये 3 आ गए, ठीक। और ये आपको कन्फ्यूजन है तो यूट्यूब पर सर्च मार लीजिएगा, और भी बहुत सारे मेथड है बाइनरी नंबर निकालने के। ये देखिए एक टेबल है, यहाँ पे दिया है 0011 0101, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बिट वाइज, और एक्स एंड वाई का बिट वाइज एंड निकालना है तो क्या होगा, अगर एक्स और वाई 00 है तो 0 हो जाएगा, 01 है तो 0 हो जाएगा, 10 है तो 0 हो जाएगा, 11 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि एक्स एंड वाई बिट वाइज एंड होगा, कोई एक एक 0 होगा तो 0 हो जाएगा, दोनों को 1 होना चाहिए तभी 1 हो जाएगा। अगला है एक्स एंड वाई को बिट वाइज और करेंगे, ठीक है, तो 00 है तो 0 हो जाएगा, 01 रहेगा तो 1 हो जाएगा, 10 रहेगा तो ये 1 हो जाएगा, 11 रहेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि बिट वाइज और में कोई एक 1 रहेगा तो 1 हो जाएगा। अगला है बिट वाइज एक्स और, यहाँ 00 है तो 0 हो जाएगा, 01 है तो 1 हो जाएगा, 10 है तो 1 हो जाएगा, 11 है तो 0 हो जाएगा, यानी कि कोई दोनों मैच करेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक बाइट्स में एक बिट्स होता है, वो क्या करता है, चार चार को सीक्वेंस में रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल इंटीजर टाइप का, ए बराबर 10 है जिसका बाइनरी नंबर 1010 है, बी बराबर 8 है 100 यहाँ पे है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एंड निकालेंगे, तो 00 क्या होगा, यहाँ पे 00 यानी यहाँ पे 0 होगा, ठीक, 00 देखिए 00 00 यहाँ पे है, तो 00 का क्या है, 0 है, 10 कहाँ है, 10 क्या है, 0 10 यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर 00 है तो 00 क्या है टेबल में, 0 है तो 0 हो गया, 11 क्या है, 11 है, ठीक है। अब 1000 किसका है, तो देखते हैं इसका 1 2 4 8 ऐसा था ना सीक्वेंस चल रहा था, तो 8 आएगा इसका, 8 वाले का है। ऐसे भी आपको कोई अगर सिंबल दे दिया है, मतलब बाइनरी में दे दिया आपको निकालना है, तो 1 से गुणा करना, पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 आगे होगा 16, ऐसे करते जाना है, तो इसमें फिर इसके बाद क्या है, 1 वाले को जोड़ना है, तो 8 पर ही केवल 1 है, इसके बाद कोई 1 नहीं है, तो इसका क्या होगा, डेसिमल 8 हो जाएगा।
बिट वाइज एंड इसका निकल गया है, प्रोग्राम बनाएंगे तो 8 आएगा, हम लोग प्रोग्राम भी देखेंगे। अब बिट वाइज और है तो 0 0 क्या होगा, 0 0 0 ठीक है, 0 आ गया, 1 0 1 0 क्या था, 1 0 इसका टेबल में 1 है ठीक, 0 0 0 होगा, 1 1 1 1 क्या है, 1 है ठीक। अब ये किसका बाइनरी नंबर है, तो 1 2 4 8 ठीक है, किस किस जगह पर 1 है, तो 2 का जगह पर 1 है और 8 का जगह पर 1 है, दोनों को जोड़ेंगे 8 2 10, तो 10 है। तो बिट वाइज और में आपको 10 आया आंसर। अगला है बिट वाइज एक्सक्लूसिव और, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। 0 0 0 0 क्या है, 0 है, यहाँ पे 0 लिखा, 1 0 1 0 यहाँ पे क्या है, 1, तो 1 आ गया, 0 0 0 0 तो यहाँ पे क्या है, 0 है, 1 1 1 1 क्या है, 0। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 1 2 4 8 आ गया है, तो 2 का जगह ही केवल 1 है, मतलब तो यह है 2 ही आ जाएगा ठीक। अब इसका हम लोग आउटपुट देख लेते हैं एग्जाम्पल, इसका प्रोग्राम देखते हैं, ये सब हटाता हूँ, इसको भी हटा ही देता हूँ। इंट ए बराबर 10 था, बी बराबर 8 था ठीक। अब प्रिंट एफ करता हूँ, डबल कोट परसेंट डी और न्यू लाइन के लिए स्लैश एन, और यहाँ पे लिखता हूँ ए एंड बिट वाइज एंड और बी ठीक है, सेमी कोलन देता हूँ, दो बार लाइन को कॉपी, कंट्रोल डी करूँगा तो ये लाइन डुप्लीकेट हो जाएगा। और यहाँ पे एक क्या बना था, और के लिए था, और एक था एक्सक्लूसिव और, तीनों आ गए। अब सेव करता हूँ और मैं रन करूँगा, ये एरर क्यों आ गए, हाँ यहाँ पे मैंने कोमा छोड़ दिए हैं, यहाँ पे सभी जगह कोमा कोमा। अब मैं सेव करूँगा और रन करूँगा, देखिए मैंने बताया था ना 8 आ जाएगा, एंड के लिए एक्सक्लूसिव एंड, बिट वाइज और के लिए 10, बिट वाइज एक्सक्लूसिव और के लिए 2, 8 10 2 है ना, 8 10 तो आउटपुट आ गया सर। बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, इनवर्स ऑल द बिट्स, ये क्या करता है, 1 है तो 0 कर देगा, 0 तो 1 हो जाएगा, जैसे कि 8 8 है, उसका बाइनरी क्या है, 1 0 0 है ठीक है, उसमें क्या करेगा, 1 जोड़ेगा, जिसके ओपोजिट करता है, जैसे ये देखिए 1 000 इसका बाइनरी नंबर, उसमें 1 जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा 0 1 जोड़ेगा तो 1 हो जाएगा, बाकी से आगे कुछ जोड़ना नहीं है तो सेम उतर जाएगा। अब देखिए एक इसका बाइनरी नंबर है 1 2 4 8, 8 और 1 का जगह 1 है, तो दोनों को जोड़ेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 9 का ये डेसिमल है ठीक है, ये बाइनरी हुआ है। हम लोग आउटपुट करेंगे तो इंटीजर टाइप में ना लेंगे, तो वो क्या कर देगा, डेसिमल में वो 9 दे देगा, पर क्या होगा आउटपुट देगा, पर सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में ना तो नेगेटिव में आंसर देगा। अभी मैं दिखाता हूँ, इसके लिए दो ऑपरेटर का आवश्यकता नहीं है बिट वाइज कॉम्प्लीमेंट के लिए, मैं यहाँ पे देता हूँ ए, ए मैंने दिया, और यहाँ से यहाँ तक सारे जो भी कोड है मैं कमेंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल ले करता हूँ, यहाँ पे मैं बी को भी प्रिंट करूँगा, ये देखिए क्या होगा ना, 10 है तो 11 हो जाएगा पर माइनस में आएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा पर माइनस में आएगा। अभी मैं रन करता हूँ, देखिए 10 है तो 11 हो गया, 8 है तो 9 हो गया, अगर एक 8 को मैं अगर माइनस में करता तो एक उसमें जुड़ता, +1 होता तो माइनस 7 आता, देखिए -7 आ गया ना। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एक क्या करता है कि बिट्स के फॉर्मेट में वो लेफ्ट में आपको ट्रांसफर कर देता है, इसका सिंटेक्स है ऑपरेंड है और ये सिंबल है एन, एन मतलब जितना दीजिएगा 1 2 3 तो वो उतना बार वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है ए बराबर 8 है, 8 का क्या होता है भाई, बाइनरी नंबर 1000, 1000 मैंने लिखा है, और इसके पहले भी आप 0 0 कितना लिख सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है, और ये क्या करेगा, यहाँ पे ए लेफ्ट शिफ्ट 1 किया है यानी एक बार ये शिफ्ट होगा,
ठीक। तो ए यहाँ था तो यहाँ पर शिफ्ट हुआ, ठीक है। तो वन इसके पीछे 3 जीरो थे, 3 जीरो रहेंगे, और यहाँ पर जो खाली है तो वहाँ पर जीरो डाल देंगे, ठीक है। जीरो डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ना खाली है। अब इसका अगर डेसिमल निकलेगा तो 16 आ जाएगा, इसका आउटपुट 16 हमें मिलेगा। और राइट शिफ्ट क्या है, देखा करता है कि बिट्स के फॉर्मेट में राइट में शिफ्ट कर देगा, जितना भी आप एन का वैल्यू दीजिएगा। ए का देखिए यहाँ पे 8 है, इसका बाइनरी नंबर 1000 है, ए राइट शिफ्ट 1 है, तो ये राइट में शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ 1000 है, इसका पहले 0 से कोई मतलब नहीं है, तो राइट में शिफ्ट होगा। तो ये यहाँ से शिफ्ट हुआ आगे की ओर, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा, 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 किसका बाइनरी है, बाइनरी सॉरी कर बाइनरी नहीं, डेसिमल किसका, 4 का, तो आउटपुट आ जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट करके हम लोग देखते हैं, प्रिंट परसेंट डी स्लैश एन करता हूँ, बी लेफ्ट शिफ्ट 1, और यहाँ पे सेमी कॉलम, सेव करूँगा, रन करूँगा, तो ये मुझे 16 आएगा, ठीक है। और ये माइनस में मैंने किया तो इसीलिए माइनस में आया, अब तो मैं प्लस में करूँगा तो ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और वही मैं बी राइट शिफ्ट करूँगा, 1 करूँगा और रन करूँगा, ये मुझे 4 आ जाएगा आंसर। अगला है साइज ऑफ ऑपरेटर, द मेमोरी साइज इन बाइट्स ऑफ ए डाटा टाइप्स और ए वेरिएबल कैन बी फाउंड विथ द साइज ऑफ ऑपरेटर। ये क्या करता है कि आपको कोई भी टाइप का डाटा टाइप है उसका साइज बता देगा, उसे हम लोग परसेंट एनयू से प्रिंट करेंगे और साइज ऑफ लिखेंगे। मैंने लिख लिया, और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने परसेंट एनयू लिखा, और साइज ऑफ मैंने लिखा है, इसका साइज ऑफ एक फंक्शन है, साइज ऑफ मैंने लिखा, और माई इंट ये जो वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे लिखा, और साइज ऑफ मैंने लिखा, सारे में से लिखा, मैं लिख देता हूँ आपको। साइज ऑफ के अंदर जो भी वेरिएबल का नाम दीजिएगा वो उसका साइज बता देगा। सेव करता हूँ और रन करता हूँ, ये देखिए 4 4 8 1, कैर तो 1 लेता ही है, इंटीजर 4, फ्लोट भी 4 8 लेता है। ये देखिए मेरे पास ऑपरेटर का प्रेसिडेंसी टेबल है, इसका कैटेगरी है, ये ऑपरेटर है, और एसोसिएटिविटी है, मतलब किधर से किधर का मान्यता ज़्यादा है। ये देख कैटेगरी में पोस्ट फिज इनरी वगैरह है, ऑपरेटर का सारे नाम है, जैसे प्लस और माइनस यहाँ पे लिखा है, लेफ्ट टू राइट, सबसे पहले लेफ्ट वाले का काम होगा, फिर उसके बाद राइट वाले का, मैंने सबसे पहले प्लस होगा फिर माइनस होगा। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर लेफ्ट टू राइट लिखा है, सबसे पहले गुणा का काम होगा, फिर भागा का, फिर मॉडुलस का काम होगा। इसमें भी देख लीजिए लेफ्ट टू राइट, सारे ब्रैकेट का पहले काम होगा, या राइट टू लेफ्ट पहले राइट वाले का काम होगा, फिर इसके बाद ऐसे होगा। एक बार चैट दिमाग में डाल दीजिएगा, जब कॉम्प्लेक्स कीजिएगा कोडिंग तब।